ओम शांति। आज 28 तारीख दो मास की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर, ऊंचे ते ऊंची आसामी। इस पति दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है, ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबर वार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बनकर हाथ छोड़ जाते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति, ओम शांति, दो बारी कहना पड़े। ये तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा और दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है, गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर, वो है ऊंचते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंची है, उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आके बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वो कैसे हैं, कब आते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसी को ये पता नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर है, उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर, पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंचते ऊंच है ना, उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है, नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे। ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, ये नहीं चढ़ता। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं, बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। परंतु ये बाप है वंडरफुल। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, अहो माया, फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते हैं, इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाबा कहते मुझो मत, मुझे कोई भी जानते नहीं है। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं, तुम भी फील करते हो कि वो याद स्थाई ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, वो हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है, मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वो नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा है। ये बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है,
बाप खुद कहते हैं, मुझे पत्थर बित्तर में ठोक कर कितनी ग्लानी करते हैं। पर यह भी कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानी करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती, ड्रामा में नूद है ना। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? कहो हाँ, वो तो अनादि अविनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही इस पति दुनिया में है, मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं है, पति दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं, मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ, आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो, यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके एक दो वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा, इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हैं, इनके आने का पार्ट बिल्कुल फिक्स हुआ पड़ा है, ये किसी को भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है, मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं और दूसरी और फिर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में ये बड़े ते बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर को दाग लगा दिया है, कह देते हैं वो पत्थर ठीक कर सब में है, कितनी हाईएस्ट ऑथोरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से है, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब है भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स सीताएं, बाप है ब्राइड ग्रूम राम, एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं, ये है बेहद की बात। ये है पुरानी पति दुनिया, इसका पुराना होना और फिर नया होना सब एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते हैं, ये भी ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5000 वर्ष बाद बाबा कहते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है, मैं ही आकर के अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। किसी को भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की। ऊंचते ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है ना, है तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते हैं। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शीश क्या है? ये किसी को भी पता नहीं है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं, कहते हैं मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त हूँ, ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी कोई बात नहीं है, तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है, तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना
कर्मातीत अवस्था को पाकर उच्च पद पाएंगे। बाबा बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद शब्द ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई बिरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा, याद करते ही नहीं है तो फिर सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में एक घंटा याद में रहे तो फिर लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ एक घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना, मेहमान हुआ ना। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ, नई दुनिया को स्थापन करता हूँ, ये पुरानी दुनिया है। ये भी कोई यथार्थ रीति जानते नहीं है, नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ, फिर ड्रामा अनुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है, फिर कल्प बाद ये पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, जो होकर जाते हैं उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा के भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, तो बाबा कहते हैं ये तो है टोटल 5000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना, तो बाप कहते मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ, मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में, रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूर्त, उनका ये तख्त है, बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर के विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, और कोई ना सुन कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं मैं उनकी मुरली सुनकर फिर बजाऊंगा, सुनाने वाला तो वो है ना। ये नंबर वन पूज्य सो फिर नंबर वन पुजारी बना, अभी ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है, अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वो सुलटी कर देंगे। ये अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ये भी ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पढ़ने ही है, बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं, तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी जानते हैं, निराकार को कैसे पहचाने व समझे, वो तो बीमार हो नहीं सकते हैं, तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं, वो क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, वो सभी आत्माओं का बाप और ये फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप, तो ये दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, नोंद के बिगर कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है,
राम और रावण दोनों का पाठ है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता, मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में और दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसीलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पाठ रिपीट होता है। दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, खलास होना है इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, ये थर्ड फ्लोर तो है ना। कहते हैं जलमयी पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं है। ये बेहद सृष्टि के तीन फ्लोर है, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी जानते नहीं है। तीन फ्लोर है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतिंद्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर है, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सो जाती है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए, थकती आत्मा है। कहते हैं आज मैं थका पड़ा हूँ, तो ये किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी होके रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम नंगे आए थे फिर नंगे जाना है, ये देह के संबंध आदि भूल जाओ। इस शरीर में रहते हुए मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कितनी बड़ी ऑथोरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आया है, ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चलकर आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और फिर विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेलिया मिल नहीं पाती है, कितने साक्षात्कार होते रहते हैं, साथ साथ कितने अत्याचार सहन करती है, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ तो बाप पर है न कि तुम पर है। सृष्टि का बोझ तो भगवान के पर है या मनुष्य पर है? बाप को जान ले वे तो फिर ऐसे प्रश्न ही ना पूछे। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ही हाईएस्ट ऑथोरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है।
याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, दिन रात सर्विस में तत्पर रहकर अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। श्री बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख करके चलना है। कोई भी विघ्न आवे तो घबराना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल श्री बाबा है, इसीलिए संशय नहीं आना चाहिए। वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले मास्टर विधाता और वरदाता भव। अब भी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। ये समर्पण समारोह मनाओ। श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी, मास्टर विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।